आज का हमारा विषय है महाजनपद काल। महाजनपद काल में विभिन्न जो जनपद हुए, 16 महाजनपद, इन 16 महाजनपदों की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी, इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन जनपदों में जो शक्तिशाली जनपद के रूप में मगध उभरा और उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति से अपने पड़ोसी राज्यों को अपने अंदर विलीन किया और एक विशाल साम्राज्य यहाँ स्थापित हुआ। महाजनपद काल के संबंध में जैसा कि कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे राज्य थे, वो छोटे छोटे राज्य धीरे धीरे राजाओं ने अपनी महत्वाकांक्षा की नीति के अंतर्गत इन राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये है नगरीकरण की एक प्रक्रिया थी और अब छोटे छोटे राज्य बड़े बड़े राज्यों के अंदर तब्दील होते चले गए। ऋग्वेद में ऐसे कि कई राज्यों का या कई जनपदों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है और वो जनपद जो कि अपनी समृद्धि के लिए और अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते थे, वो कौन-कौन से थे, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ऋग्वेदिक काल में आर्य अनेक जनों में व्यक्त थे। जन अपने को किसी एक पूर्वज की संतान मानते थे। प्रत्येक जन में अनेक कुटुंब होते थे, अतः एक ही जाति के पुरुष से उत्पन्न विभिन्न कुटुंबों के समुदाय का नाम जन था। ये वास्तव में जन राज्य था या जातीय राज्य थे, इनका कोई निश्चित भौगोलिक आधार नहीं था। वे एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। इनकी पहचान का आधार जब विशेष ही था। ऋग्वेद में जनों का उल्लेख आता है परंतु जनपदों का नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर राजनीतिक जीवन में एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है, भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के जनों में बस जाने के कारण ये जनपद कहलाने लगे और अब जन या जाति कबीला के स्थान पर जनपद या प्रदेश का महत्व बढ़ा। राज्य की कल्पना जातीय के स्थान पर भौगोलिक हो गई। महात्मा बुद्ध के समय तक आते आते जनपदों का पूर्ण विकास हो चुका था। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जा सकता है। समस्त देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का फैलाव हो गया और इस प्रकार से जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए। इस युग में बहुत से जनपदों का वर्णन मिलता है। इनके इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में जो मुख्य आधार है वो है आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथ, उत्तर वैदिक कालीन साहित्य, पुराण, रामायण और महाभारत। जनपदों की स्थापना के साथ इनमें भू क्षेत्र के लिए संघर्षों की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप निर्बल राज्य समाप्त हो गए और शक्तिशाली राज्यों में विलीन होते चले गए। अधिक संपन्न और भौगोलिक दृष्टि से अधिक विस्तृत इन राज्यों को महाजनपदों की संज्ञा दी गई है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, जो कि सर्वाधिक प्रमाणिक मानी जाती है। इन महाजनपदों का संबंध बुद्ध के पहले से माना जाता है। स्वयं बुद्ध के समय इनमें से कई अपनी स्वतंत्रता खोकर अन्य शक्तिशाली जनपदों में विलीन हो गए। कुछ नए राज्य स्थापित हो गए थे और कुछ का स्वरूप परिवर्तित हो चुका था। उपलब्ध जो साक्ष्य है उनके आधार पर महाजनपदों का काल 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक माना गया है। अब ये जो 16 महाजनपद थे जिनका
उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र के अंदर जो इनकी सूची दी गई है वो कौन कौन से थे, इनकी चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय के अंदर जो सूची दी गई है 16 महाजनपदों की, उसके अंतर्गत पहला अंग यह जनपद बिहार के उत्तरी भाग में स्थित था। वर्तमान में ये भागलपुर और मुंगेर जिले इसमें शामिल है। यह मगध के पूर्व में था। दोनों जनपदों के मध्य चंपा नदी बहती थी। अंग जनपद की राजधानी का नाम चंपा था। बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में चंपा नगरी का महत्व था। आरंभ में अंग प्रदेश एक शक्तिशाली जनपद था, लेकिन कालांतर में जब मगध राज की शक्ति बढ़ी तो अंग उसके अंदर विलीन हो गया। दूसरा जनपद जो है वो है मगध। दक्षिण बिहार या गंगा के दक्षिण का भाग जो था वो मगध कहलाता था। वर्तमान बिहार के पटना और गया जिले इस राज्य के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। यह अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था। पहले यहाँ वृद्रथ वंश का राज्य था। इस वंश में वृद्रथ और उसके पुत्र जरासंध दो प्रसिद्ध राजा हुए। आरंभ में ये छोटा सा राज्य था। इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता चला गया और बुद्ध काल में यह 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है, मगध का। तीसरा जो जनपद था वो है काशी। यह जनपद उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो अपने ज्ञान शिल्प व्यापार और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। काशी राज्य इस समय बड़ा शक्तिशाली राज्य था। इसका कोसल राज्य से संघर्ष था। इससे पहले कोसल राज्य को इसने दबाया, लेकिन बाद में यह उसी के अंदर विलीन हो गया। कोसल अगला जो जनपद है वो है कोसल। इसके अंतर्गत अवध का प्रदेश, जो कि वर्तमान फैजाबाद क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है। रामायण के समय इसकी जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। महात्मा बुद्ध के समय श्रावस्ती इसकी राजधानी बनी। रामायण और पुराणों में यहाँ के राजाओं को इक्ष्वाकु कुल का बताया गया है। धीरे धीरे इस राज्य की शक्ति बढ़ी और कोशल और काशी का परंपरागत वैमनस्य था। लंबे संघर्ष के बाद कोशल ने, जैसा कि बताया गया है, काशी पर अधिकार किया। बुद्ध के समय कोशल 4 शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। वज्जी यह 8 राज्यों का गणतंत्रात्मक संघ था। इन राज्यों में लिच्छवी, विधेय और ज्ञात्रिक विशेष महत्वपूर्ण थे। विधेय की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और ज्ञात्रिकों की राजधानी कुंडनग्राम थी। ये सारे राज्य आधुनिक बिहार राज्य में स्थित थे। महात्मा बुद्ध के समय तक वज्जी संघ एक शक्तिशाली गणराज्य था। बाद में मगध के राजा अजातशत्रु ने इस क्षेत्र को अपने राज्य मगध के अंदर मिला लिया। अजातशत्रु ने अपनी साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत वज्जी संघ की एकता को तोड़ने के लिए, एक जो कुछ इतिहासकारों को मानना है कि उसने अपने एक मंत्री को वहां भेजा और वज्जियों के अंदर उसने फूट डाली, और फूट डालने के बाद में जब उनकी शक्ति और उनके आंतरिक मामलों की जानकारी अजातशत्रु को मिली, इस स्थिति का फायदा उठा करके नहीं, उसने इस पर आक्रमण कर दिया और बाद में इसे मगध में मिला लिया गया। अगला है मल्ल। वज्जी संघ की भांति मल्ल भी एक गणतंत्रात्मक संघ था। वज्जी गणतंत्र के उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई, आधुनिक देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र में मल्ल जनपद था। इस संघ राज्य में मल्लों की दो शाखाएं थी, एक कुशीनारा, दूसरा पावा। मल्ल राज अंततः मगध द्वारा आत्मसात कर लिया गया। कहने का अभिप्राय, यह मगध ने इस राज्य को भी अपने अंदर विलीन कर लिया था। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड तथा उसका समीपवर्ती प्रदेश के अंतर्गत था। इसकी राजधानी सुक्तिमती
चेदी लोगों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, महाभारत में यहां का राजा शिशुपाल का उल्लेख मिलता है। वत्स, गंगा नदी के दक्षिण की ओर यह प्रदेश यमुना नदी के तट पर स्थित था, वत्स के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी, जो इलाहाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर थी। उत्खनन में महत्वपूर्ण से पुरावशेष प्राप्त हुए हैं और पुराणों से भी वत्स राजा का वर्णन मिलता है। बुद्ध काल में यहाँ का राजा उदयन था और वत्स राज्य चार प्रमुख राजतंत्रों में से एक था। कुरु, अगला जो जनपद था महाजनपद, कुरु राज्य के अंतर्गत वर्तमान दिल्ली तथा मेरठ के आसपास का प्रदेश आता है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली के निकट एक इंद्रपत गांव थी। हस्तिनापुर इस राज्य की एक राजधानी बनी। बुद्ध के समय तक ये राज्य काफी विकसित हो चुका था। अपने आचार और शीत के लिए ये प्रसिद्ध था। पांचाल, पांचाल जनपद के अंतर्गत वर्तमान में रोहिलखंड तथा इसके समीपवर्ती बदायूं तथा बरेली जिले के समीप के क्षेत्र सम्मिलित थे। पांचाल देश को दो भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी आहिछत्र थी, दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी कामपिल थी। अगला जो जनपद है वो है मत्स्य। मत्स्य देश का विस्तार राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी विराटनगर, आधुनिक बैराट। महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहां पर अज्ञातवश व्यतीत किया था। इसका उल्लेख महाभारत के अंदर मिलता है। सूरसेन, वर्तमान में ब्रजमंडल का क्षेत्र इस जनपद के अंतर्गत आता है और मथुरा इसकी राजधानी। महाभारत के समय इस नगर की विशेषता ये थी कि यहाँ यदुवंशी राजाओं का शासन था। यहाँ पर पहले यदुवंशी अंधक वृष्णियों का गणराज्य था, परंतु बुद्ध के समय यहाँ राजतंत्र की स्थापना हुई थी। असमक, दक्षिण भारत की नदी गोदावरी नदी के तट पर यह राज्य था, जनपद स्थित था। इसकी राजधानी पोदन्य थी, जिसे पोटिल भी कहा जाता था। अवंती, यह जनपद मालवा के क्षेत्र में स्थित था। इसकी मुख्य राजधानी उज्जैनी, वर्तमान में उज्जैन था। इसके दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मति थी। प्राचीन काल में यहाँ हयक व पूर्व इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने राज किया। बुद्ध के समय अवंती का राज्य अत्यंत शक्तिशाली था और चार प्रमुख महाजनपदों में से यह एक था। यहाँ का प्रघोत वंश का राज्य था। चंड प्रघोत इस वंश का प्रसिद्ध राजा था, जिसने वत्सराज उदयन को बंदी बनाया था। गांधार, इस जनपद के अंतर्गत अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, कश्मीर घाटी का क्षेत्र, तक्षशिला सहित पंजाब का पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था। तक्षशिला इस राज्य की राजधानी थी। और लास्ट जो था हमारा महाजनपद काम्बोज। गंधार और काम्बोज दोनों नाम प्राय एक साथ मिलते हैं। काम्बोज और गंधार का पड़ोसी राज्य था। गंधार उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी राजपुर थी, दूसरी राजधानी इसकी थी द्वारका। इस प्रकार से जो भगवती सूत्र के अंदर जो 16 महाजनपदों की जो स्थिति बताई गई है, ये कहाँ कहाँ अवस्थित थे, इनकी हमने चर्चा की और ये जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर कौन कौन से राजवंश स्थापित थे और ये किस लिए विख्यात थे, इनका भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार का था, और इस भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ यहाँ की स्थिति की भी जानकारी ली। चर्चा हमारी इस पर आगे जारी रहेगी। धन्यवाद।